हेलो 10th क्लास, होप आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर आपको पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ उनके आने के चांसेस तो 110% हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं, लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा इसमें दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। साइन ए प्लस बी 1 है, कॉस ए माइनस बी अंडर रूट 3/2 है। ये दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं और साथ ही कंडीशंस भी आपको दे रखे हैं, इन पे भी ध्यान देना है। कंडीशंस क्या हैं आपके? तो कंडीशंस है हमारी कि जो ए प्लस बी एंगल है ना, वो 0 से लेकर 90 तक है, मतलब एक्यूट एंगल है। ए प्लस बी का जो सम है वो एक्यूट है और एंगल ए बी से, एंगल बी से बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करेंगे साइन ए प्लस बी हमारा 1 था। नाउ साइन में 1 कब आता है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, सो साइन और साइन हम हटा देंगे बोथ साइड से, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा 90। पहली क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाएगी। दूसरी कंडीशन पे फोकस करते हैं, कॉस ए माइनस बी था अंडर रूट 3/2। कॉस कब अंडर रूट 3/2 होता है? कॉस 30 पर। ठीक है, सो कॉस दोनों तरफ से हटा देंगे, ए माइनस बी विल बी 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब चाहो तो आप दोनों को ऐड कर दो, बट मैंने क्या करा, सबट्रैक्ट करा। तो सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को फ्रॉम फर्स्ट से सबट्रैक्ट करेंगे। सो ए प्लस बी इक्वल्स टू था 90 एंड ए माइनस बी था हमारा 30। जब मैंने इसको सबट्रैक्ट करा तो हमारे पास आ जाएगा 2b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 डिग्री, 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो बी हमारा एंगल जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। आगे बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में प्लग कर देंगे, सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90, इसमें प्लग कर दिया बी की वैल्यू को, सो फ्रॉम हेयर ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सो इस तरीके से और बी निकालने थे। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कैसे करना था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कम स्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रॉम्बस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल के चारों तरफ पैरेललोग्राम को बनाएंगे तो रॉम्बस होगा। रॉम्बस का मतलब है वो पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, याद रखना है, ज्योमेट्री जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो कई बार ज्योमेट्री में ही आपको 1 और बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको 1.5 मार्क्स में मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्योमेट्री बनाता हूँ। सर्किल मैंने बनाया, इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और पैरेललोग्राम की जो चारों साइड्स हैं वो सर्किल को टच करते हुए जाएंगी। सो इसके कॉर्नर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। नाउ क्योंकि ये ए बी सी डी जो हमारा पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होंगे, पहली कंडीशन तो ये हमें याद रखनी है। सो ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी मस्ट बी इक्वल्स टू ए डी बिकॉज दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, याद रहेगा। सेकेंड कंडीशन हमें याद रखनी है कि जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना हमारे पी क्यू आर एस, तो ए से अगर हम देखें ए पी और ए एस टेंजेंट है तो इनकी लेंथ इक्वल होगी। बी से बी पी बी क्यू इक्वल होंगे, सी आर सी क्यू इक्वल होंगे और डी आर डी एस भी इक्वल होंगे। अब रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाने, कोई भी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ए बी इक्वल टू सी डी से, सी डी को लिखेंगे डी आर प्लस सी आर। सो डी आर को क्या लिखा जा सकता है? डी एस। ठीक है, क्योंकि वो इक्वल था डी एस के। एंड सी आर को लिख सकते हैं सी क्यू के इक्वल। नाउ डी एस इज़ वट, आप देख पा रहे होंगे ए डी माइनस ए एस। एंड सी क्यू को भी फर्दर ऐसे लिखेंगे बी सी माइनस बी क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे ए डी माइनस ए एस, एंड बी सी को हम लिख सकते हैं ए डी के इक्वल, क्योंकि वो पहले से हमें पता है। सो ए डी माइनस बी क्यू, बी क्यू को हम लिखेंगे बी पी। नाउ ए डी माइनस ए एस, तो ए डी प्लस ए डी 2 AD हो जाएगा माइनस ए एस, एंड बी पी को हम लिखेंगे ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी, राइट। सो ट्वाइस ऑफ ए डी माइनस ए एस माइनस ए बी प्लस ए पी। अब फोकस करिए ए एस और ए पी पर, ए एस और ए पी इक्वल थे एक दूसरे के। ठीक है, पहले भी मेंशन करा था मैंने, ए एस ए पी इक्वल हैं बट अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 2 ए डी माइनस ए बी आ जाएगा, लेफ्ट में हमारे पास ए बी तो था ही। ठीक है, सो ए बी को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ए बी प्लस ए बी 2 ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, इट मीन्स ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू ए डी। सो ए बी और ए डी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब एडजेसेंट साइड्स ए बी एंड ए डी इक्वल है,
तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि भाई ठीक है, ए बी ए डी के इक्वल, और ए डी किसके इक्वल था, बी सी के इक्वल था, तो जो फर्दर इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं पैलोग्राम की, इट मीन्स ये पैलोग्राम अब क्या बन गया, रॉम्बस बन गया। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, ज्योमेट्री बेस्ड इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, डाउट कोई रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं ट्रिग्नोमेट्री से ले रहा हूँ, ये भी हमारे पास आते हैं बेटा, कई बार आता है ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करना हमें, ठीक है। तो दिख रहा हो आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगता है बच्चों को ये क्वेश्चन कि भाई कैसे करें, बड़ा सा दिखता है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, बड़ा क्वेश्चन आएगा, बड़े मार्क्स में आएगा, कर लोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ वी नीड टू प्रूव। तो हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे। टेन थीटा अपॉन था 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा को लिखना हमें कॉस माइन कॉस अपॉन साइन, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, ठीक है। सेकंड पार्ट में था कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, सो टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, इतना आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटीज़ हैं इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे टेन थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन माइनस कॉस, एलसीएम लेंगे ना साइन, तो साइन माइनस कॉस आ जाएगा और अपॉन में साइन, ठीक है। प्लस कॉट थीटा अपॉन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगेन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है हमें, तो जो ये साइन सबसे नीचे थे ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टेन थीटा माइनस इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम कॉस यहाँ से जंप करके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट। नाउ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में सेम बनाना है, तो हम ऐसा करेंगे सेकंड पार्ट में माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर उनका चेंज हो जाएगा, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में कॉस माइनस साइन था वो साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों ही पार्ट में डिनोमिनेटर सेम आ गए, तो हम सीधे सीधे एलसीएम जो है सीधे सेम ले लेंगे, टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर हमारे अब सेम हो जाएंगे साइन माइनस कॉस, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से हमने एक माइलस्टोन जो है हमें मिल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो अब हम पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे सेपरेटली, ठीक है। देखते हैं कितनी आती है इसकी वैल्यू, टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा था, टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस इंटू में था साइन, माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन इंटू में था कॉस, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का प्रोडक्ट, साइन थीटा इंटू कॉस, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो साइन क्यूब यहाँ पे आ जाएगा और माइनस कॉस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेन इक्वेशन थी ना उसको वापस उसमें रखते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा एक और टर्म था साइन माइनस कॉस, तो उसको भी लिखेंगे। तो बाकी टर्म न्यूमरेटर तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया, बस एक्स्ट्रा हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन माइनस कॉस, राइट। सो अब इस पे फोकस करिए आप, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो आइडेंटिटी है वो सभी बच्चों को याद रखनी है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इसका यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग, एंड आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस साइन इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड पूरे के अपॉन में हमारे पास था साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो न्यूमरेटर में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, सभी बच्चों को ये भी याद रखना है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सेपरेट अपॉन में लेके जाएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देख रहे होंगे ये सेकंड पार्ट में तो कैंसिल हो जाएगा, एंड फर्स्ट पार्ट में 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, सेक इंटू कॉस सेक आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आरएचएस की जो वैल्यू हमने निकाल दी है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। थोड़ा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आएगा। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कोई डाउट रहता है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।